भाई एक मिनट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश का हर राजनीतिक दल रैलियों जनसंपर्क के माध्यम से प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने में लगा हुआ है। आज बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़ौदा विकास रैली के नाम से रैली रखी गई है, जिस रैली में अपने भारी काफिले के साथ हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता व गुजरात किसान सेल के प्रभारी महामंडलेश्वर स्वामी जी भी जा रहे हैं, उनसे जानते हैं बड़ौदा विकास रैली के बारे में। बड़ौदा विकास रैली के नाम से रैली रखी गई है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक भी हलके को, एक भी गांव को, एक भी गली को कहीं पर भी खाली विकास के बगैर छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए गोहाना में पीछे आए थे और यहां विकास की वर्षा करके गए थे। और आज मुख्यमंत्री की तरफ से हमारे हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष माननीय सुभाष बराला जी पहुँच रहे हैं और वो बड़ौदा के अंदर विकास की बौछार करके जाएंगे। और प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि बार बार मोदी, इस बार फिर से मोदी, और इस प्रकार के जनता में एक लहर है। और हरियाणा प्रदेश की सरकार का धन्यवाद सब लोग करने के लिए आज हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ौदा के अंदर। रैली सोनीपत के बड़ौदा हल्के में रखी गई है, आप भी सोनीपत से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो सोनीपत में आप भाजपा को कहाँ पे पाते हैं, भाजपा की स्थिति सोनीपत में कैसी मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सोनीपत के अंदर बहुत अच्छी है और पूरे देश के अंदर अच्छी है। सोनीपत के अंदर बहुत मेहनती और बहुत यशस्वी कार्यकर्ता भाजपा के पास हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी चुनाव लड़ेगा वो नंबर एक पर चुनाव जीत रहा है, बाकी सभी पार्टियों का अस्तित्व वही खत्म हो गया है। किसी का आपस का झगड़ा, किसी का जनता का झगड़ा, किसी के पिछले घोटाले घपलों की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसलिए सोनीपत की बात नहीं करूंगा, पूरे हरियाणा में नंबर एक पर भाजपा है। सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा में भाजपा नंबर एक पर है, ये कहना है स्वामी जसमेर जी का। K9 मीडिया के लिए बड़ौदा हल्का से अरुण दून की रिपोर्ट। Thank you.